दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेटीएम से डिश टीवी रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेटीएम पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा डीटीएच, डीटीएच के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डिश टीवी है वो सेलेक्ट करें। यहाँ मैं टाटा स्काई कर रहा हूँ। टाटा स्काई करने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं आप, या फिर सब्सक्राइबर आईडी, 10 डिजिट की जो सब्सक्राइबर आईडी है वो भी डाल के रिचार्ज कर सकते हैं। तो मैं सब्सक्राइबर आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद अमाउंट, उससे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने ये कूपन एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें आईडी डालनी है 45412। तो ये मैंने 10 डिजिट की सब्सक्राइबर आईडी डाल दी है। यहाँ पे अमाउंट, सब्सक्राइबर आईडी सही डालें, एक बार चेक कर लें। और उसके बाद प्रोसीड टू पे, प्रोसीड टू पे करने के बाद ये प्रोसेस होगा। कुछ देर प्रोसेस होने के बाद ये देखिए स्टेटस, रिचार्ज प्रोसेसिंग पेमेंट, पेमेंट रिसीव हो चुकी है। अब रिचार्ज चल रहा है और ये रिचार्ज भी सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद देखिए इसमें कैशबैक कैसे आएगा। तो ये हमारा हो चुका है। यहाँ से इनवॉइस डाउनलोड कर लेंगे हम। हो चुका है रिचार्ज हमारा, मैसेज आ चुका है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, इनवॉइस ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था, देखिए हमारा 250 का रिचार्ज हो चुका है। डाउनलोड इनवॉइस करके आप इसकी इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हैं।